दिया गया है जिसमें बीएससी मैथ बायोलॉजी अगर देखेंगे हॉस्टल में टोटल 130 कमरे की दुकान था। हम अभी चाचा से बात किए और हमारा पीछे हॉस्टल है, आप देख सकते हैं। लोगों का कहना है आप यहाँ से निकले बोला गया है। कॉमन रूम जिसमें टीवी लगी रहती है और सबसे खास बात करता है तो भाई ये सुरक्षा मुहैया कराता है। वो जो गार्ड वहाँ पे बैठते हैं सुरक्षा के लिए, ज्यादा दूर नहीं है, बगल में ही हेल्थ सेंटर रामकृष्ण हॉस्टल का मेस जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस चला जाता था। दो मेस है, मेस के अंदर दो मेस है, सारी चीजें अच्छे से चल रही है। क्या है, नोटिस बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं, आपको सारी सूचनाएं। रामकृष्ण हॉस्टल में आपका क्या था, जिम्मेदारी ऑफिस की आपको मिली है, कैसी मतलब मजा आता है करने में? 130 कमरे हैं और मेस वेस खाने पीने की सुविधाएं सबसे पहले जब एक बम ब्लास्ट हुआ था तो क्या है, किसी लड़के का गलती से साइकिल इधर उधर हो जाता है, बाइक रखने की अनुमति नहीं है, 200 मीटर 100 मीटर में सस्ती बस मिले, सस्ते में खाना खिलाया। लोग साइंटिस्ट हुए, साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आता है ये, बने हुए थे 4-5 गाड़ी से आए, मैं दोबारा मिलती नहीं, मैं रखी धीरे धीरे जड़ होता है, बेड़ होता है। 100 मीटर पर होगा मिलिटर सेंटर इस वीडियो में कि बनारस अलग है, बीएचयू अलग है, अंदर की जो बाउंड्री के अंदर की सुविधाएं और जो चीजें हैं वो बनारस से बहुत इतना अच्छा शुद्ध है ना, सोचते हैं कि 8 घंटा ड्यूटी भी यहाँ देते हैं तो अभी तो बढ़ा ही होगा, अभी बहुत बढ़ते हैं, हम लोग खुद लगाते हैं, कोई गुंडा कुछ नहीं है भाई, एकता है। देखिए होता है ना कि रूम इस टाइम से बंद है, काफ़ी सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं लगभग बीएचयू के 12, और कुछ छूटा होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर बात करने की कोशिश करेंगे।